हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन, गुड मॉर्निंग। विंटर सीजन चल रहे हैं तो क्यों ना इस विंटर सीजन और नए साल के उपलक्ष में बनाए जाए आलू के पराठे। तो मैंने आज आपके लिए यही रेसिपी लाई है। अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है और इसमें मैंने व्हीट फ्लार यानी गेहूँ का आटा 2 कप ले लिया है। अब इसमें मैंने नमक डाल दिया है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसको मिक्स करके हम इसका एक सॉफ्ट डो बना लेंगे जिससे कि हमारे आलू के पराठे बनेंगे। तो आटा हमको बहुत ज़्यादा सख्त नहीं बनाना है, हमको एकदम बहुत ही अच्छा आटा बनाना है, लेकिन रोटी जितना भी नहीं, थोड़ा सा उससे थोड़ा सख्त रहे। तो आटा हमारा लग चुका है। आटे को हम थोड़ा सा तेल से या ऑयल घी से ग्रीस करके 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो थोड़ा सा हम इसमें ऑयल लगा ले रहे हैं, आप चाहें तो घी या बटर भी लगा सकते हैं। और 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे क्योंकि ये अच्छी तरह से रेस्ट कर लेगा तो अच्छा पराठा बनेगा और फटेगा भी नहीं। तो इसको रख देते हैं। तो अब मैंने ले लिया दूसरा बाउल और यहाँ पर मैंने बॉयल्ड पोटैटो ले लिया जिनको मैंने हाथों से मैश कर लिया है। ये मैंने चॉप्ड बारीक चॉप्ड मैंने यहाँ पर अनियन ले लिया है। टर्मरिक मैंने 1 टीस्पून के लगभग ले लिया है। धनिया पाउडर भी मैंने 1 टेबल स्पून के लगभग ले लिया है। आप चाहें तो जीरा भी ले सकते हैं भुना वाला। ये मैंने रेड चिली पाउडर ले लिया है, आप अपने फ्लेवर के हिसाब से डाल सकते हैं। ये मैंने अजवाइन डाल दिया है ताकि इसमें पाचन अच्छा रहे। और थोड़ा सा मैंने क्यूमिन सीड्स होल डाल दिया है। तो अब इनको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। सॉल्ट भी हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, जितना आपको पसंद हो। आप चाहें तो यहाँ पर ग्रीन चिली का पेस्ट भी डाल सकते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, ये आपके चॉइस के अनुसार है। तो बस अब इसको हम फटाफट से मिला लेते हैं और ये हमारा मिक्सचर हो जाएगा रेडी। अब हम इसमें धनिया भी चॉप करके डाल देते हैं, इससे इसका अरोमा और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको पूरा मिक्स करके रख लिया है। तो अब हमारा डो और हमारा मिक्सचर दोनों रेडी हो चुका है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पराठे। हमारा आटा भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है, बहुत ही फ्लफी हो गया है। इस तरह से होने से हमारे आलू के पराठे फटते भी नहीं हैं। तो चलिए फटाफट से अब इसको बनाना शुरू कर देते हैं। अब आटे की लोइयां बना लेते हैं जितनी थिकनेस की आपको चाहिए। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं हैं, मीडियम साइज़ के मैं बना रही हूँ। तो इस तरह से मैंने डस्ट करके इसको हम अपनी लोई को अपनी हथेली में एक पेड़े का साइज़ बना लेंगे और हाथों से पुश करके इसमें कटोरी स्टाइल का बना लेंगे जिसमें हम अपनी स्टफिंग भरेंगे। तो इस तरह से भरने से हमारी जो स्टफिंग है बहुत अच्छी तरह से भर जाएगी और ये फटेंगे भी नहीं। ये जो हमारी स्टफिंग है ये बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी। और थोड़ी बहुत स्टफिंग बाहर चलती है क्योंकि आलू के पराठे में स्टफिंग थोड़ी बहुत बाहर ना निकले तो मज़ा ही क्या। तो इस तरह से हमने अपने इसको बना लिया है। आप भी अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आलू भर सकते हैं। तो ये एक पेड़ा तैयार हो गया है। अब इसको हम थोड़ा सा सूखे आटे में मिलाकर इसको और थोड़ा सा हाथों की मदद से इस तरह से कर लेंगे जिसके कारण बहुत ही अच्छे हमारे आलू के पराठे बनते हैं और इनको बेलना बहुत आसान हो जाता है। तो देखिए इस तरह से मैंने हाथों से बढ़ा लिया और अब इसको मैं बना लूँगी। तो ये बहुत ही आसानी से हमारे आलू के पराठे बन जाएंगे। ये देखिए कितने बढ़िया बन रहे हैं ये। तो इसी तरह से मैं अपने आलू के पराठों को बना लेती हूँ, आप लोग भी इसी तरह से बनाइए। तो लीजिए बन गया है हमारा एक पराठा। अब इसको फ्राई कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर मैंने तवा को चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए। हल्का सा हम इसमें ऑयल ग्रीस कर देंगे, आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं। अब एक तरफ से सेकने के बाद दूसरी तरफ से पलटा कर फिर इसके ऊपर ऑयल या हम घी लगा कर इसको अच्छी तरह से सेक लेंगे। आलू के पराठे विंटर सीजन के स्पेशल पराठे होते हैं जो हर घर में बनते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा। तो हमारा पराठा अच्छी तरह से सिक रहा है, अब हम इसको पलटा लेते हैं। तो हल्का हल्का सा देखिए इसमें डॉट्स आ गए हैं। अब हम इसमें अपना ऑयल लगा लेंगे और इसके बाद पलट कर दूसरे तरफ से भी ऑयल लगा लेंगे हम और अच्छी तरह से हमारे पराठे को सेक लेंगे ताकि उसका स्वाद बहुत ही अच्छा आए। तो आलूओं के पराठे हमारे एकदम इसी तरह से रेडी हो रहे हैं। सारे पराठे हम इसी तरह से बना लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से तैयार हो गया है, दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक जाए। इसके बाद हम इसको बाहर निकाल लेंगे और इसी तरह से हम अपने सारे पराठों को रेडी कर लेंगे। तो हमारा पराठा रेडी हो गया है। दूसरा पराठा भी मैं इसी तरह से बना रही हूँ।
इस तरह से हम अपने सारे पराठों को बना लेंगे। इस तरह से बनाने से स्टफिंग बहुत ही अच्छी तरह से भर जाती है और आलू के पराठे से बाहर नहीं निकलती है। तो इसी तरह से मैंने अपनी सारी स्टफिंग भर ली है और इसको भी हमने तैयार कर लिया है। तो इसी तरह से हम अपने सारे पेड़ों को बनाकर और हल्का सा सूखे आटे में डस्ट करके इसको अच्छी तरह से हम हाथों की मदद से फैला लेंगे और फिर इसके बाद इसका पराठा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पराठा बहुत जल्दी से बन जाएगा और ये फटेगा भी नहीं और बहुत आसानी से बन जाता है हमारा ये पराठा। तो इसी तरह से आप सारे पराठों को बना सकते हैं। तो इसको भी हम इसी तरह से रेडी कर लेते हैं। इसी तरह से हमने अपने इसको भी बना लिया है और इसको भी हम फटाफट से सेक लेते हैं। ये भी हमारा रेडी हो गया है। तो इस पराठे को भी हम उसी तरह से सेक लेते हैं और दोनों तरफ से अच्छी तरह से क्रिस्पीनेस होने तक हम इसको सेक लेंगे ताकि खाते समय इसमें बहुत ही अच्छा स्वाद और बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाए। आप चाहें तो इसको किसी भी सॉस या चटनी या पुदीना चटनी या हरी चटनी या फिर आप अचार के साथ भी इसको खा सकते हैं। ये आलू के पराठे आप ऐसे भी खा सकते हैं, टिफ़िन में, लंच बॉक्स में, बच्चों को रख सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो देखिए ये भी हमारा दोनों तरफ से बनकर तैयार हो गया है। दोनों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको सेक ले रहे हैं और दोनों तरफ से ही अच्छी तरह से ये क्रिस्प क्रिस्प सिक गया है। तो इस पराठे को भी हम निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम अपने सारे पराठे सेक लेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही कमेंट पर करना ना भूलें। और यदि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। तो लीजिए, बन गया हमारा आलू का पराठा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।